के जनपद बांदा के बवेरू तिंदवारी रोड बवेरू गल्ला मंडी के साथ सब्जी मंडी भी चल रही है, जहाँ पर जगह जगह जलभराव बीमारियों को दावत दे रही है। गंदगी का अंबार लगा हुआ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण के रोपण के नाम पर करोड़ों रुपए खरीद किया गया है। बवेरू मंडी सचिव के द्वारा वृक्षारोपण कागजों में किया गया और जो मंडी बनने के लिए धनाया हुआ वह भी कहीं भी मंडी नहीं बनाएगी। जब जानकारी लगेगी कितने गल्ला व्यापारी कमाशन में कार्य कर रहे हैं तो मंडी सचिव के पास कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, क्योंकि लाइसेंस बनाए नहीं गए, उनके पैसों को लेकर खरीदारी कराई जा रही है। बवेरू मंडी की मंडी है, वहीं कमाशन के गल्ले व्यापारी सीधा बांदा चित्रकूट धाम करवी किशनपुर फतेहपुर में माल बेचा जा रहा है। गल्ला व्यापारी व सब्जी व्यापारी गुड़ व्यापारी मंडी सचिव से सभी लोग खपाए, क्योंकि मंडी सचिव के पैसा उगाई के अलावा कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही। और यह भी व्यापारी ने बताया कि इनका ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन दो बार इनका ट्रांसफर रुक चुका है। ठेले लगा आइसक्रीम की, आइसक्रीम की घूमने का 100 रुपए लेते हैं। 100 रुपए कितने दिन का 100 रुपए ले रहे हैं? एक बाजार का। क्या नाम है आपका? विवेक। सालाना की रसीद कटती है हम लोगों की? कितनी कटती है? 1800 की साल की है। 1800 साल? हाँ जी सर। काहे के रसीद कटते हैं? कहते हैं जमीन का डिब्बा रखने का किराया है आपका। अच्छा, किराना की दुकान जो लगाते हैं यहाँ पे उसका पैसा ले रहे हैं? हाँ हम नहीं जानते हैं, हमको एक रसीद बता दिया। क्या नाम है आपका? विद्याभूषण। ये RCC बनी हुई है मंडी में, ये कट कैसे हुआ है? ये कट तो शायद पानी वानी निकालने के लिए है कर दिया। तो गाड़ी निकालने में यहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको? हाँ, गाड़ी निकालने में दिक्कत है ही है। तो आपने किसी को सूचना दी कि गाड़ी निकालने में दिक्कत है? हाँ, तो गाड़ी निकालने में दिक्कत है ही है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। कितने रुपये शुल्क लगता है यहाँ पे? मतलब जो है महीने में जो है कम से कम जो है 700-800 रुपये पड़ जाता है, साल में जो है करीब ये 10-12 हज़ार रुपये। जिस तरह पैसा उसीलिए हो रही है तो कौन ले रही है? ये है कि मतलब अब मंडी में करना है तो जो है देना ही पड़ता है। क्या नाम है? संतोष कुमार। कि महीना लेते हैं हमसे, महीना 100 रुपया लेते हैं और बाकी साल भर का इकट्ठा लेते हैं। साल कितना लेते हैं? साल का बड़ा भाई तो नहीं आया, चला गया है तो वही दिया भाई। हाँ लेकर चला। एक साल के कितने रुपए लेते हैं? एक साल का लागत है 2400 एक साल का जमा होता है, इसके बाद 100 रुपये का महीना लेते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? संतोष। क्या आपको मंडी शुल्क लगता है? पैसा लगता है यहाँ पे? हाँ लगता है। कितने रुपए लेते हैं? हम 1500 से 20-20 रुपये लीन कर रहा है एक साल की। पैसा कौन ले रहे हैं? यहाँ सचिव ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमा। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ बस सब्जी बेच रहे हैं जी। जो कमाशन गल्ले में पैदी है उनका लाइसेंस कितने वक्त का बना हुआ है? कमाशन में जो मंडी के अंदर है उनके लाइसेंस बने हुए हैं जो मंडी के अंदर। जो बाहर खरीदारी कर रहे क्या कर? बाहर खरीदारी कर रहे हैं उनको शिकायत आपका उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोई बाहर खरीदारी कर रहा है तो शिकायत का कार्रवाई की जाएगी। मंडी बनी हुई दांग रोड बनी हुई नहीं, वहाँ तो कोई खरीदारी होती नहीं। वहाँ पर खरीद होती है, कई ट्रक लोड हुए वहाँ से बराबर खरीद होती है। अब आप लोग ना जाए तो थोड़ी जानकारी हो। वहाँ पर मंडी टैक्स आता है, हालत खुली है, बराबर काम चलता है, टैक्स वसूला जाता है। तो उसकी खरीदारी हुई जो व्यापारियों वाला व्यापारी ही खरीद कर दिया। वहाँ पर सतन ट्रेडिंग कंपनी है वो खरीद कर रही है वहाँ पर। ऐसे रोड के किनारे लगाए हुए खरीदारी कर रहे हैं? रोड के किनारे जो है आप उनकी शिकायत का कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारी नज़र में तो नहीं है कोई रोड के किनारे लगाए हो, कोई रोड किनारे फुटपाथ में कोई बैठा हो जानकारी नहीं।